पॉपुलर हूँ यहाँ पर। लोग निकल चुके हैं पटाया से फुकेट के लिए। एंड आई एम सो सॉरी, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है अभी। तो अभी हम लोग इतने परेशान हो गए थे, हमने टैक्सी बुक करके रखी थी कल रात से। हमारी फ्लाइट 3:50 की है ना, बहुत दूर एयरपोर्ट है, मतलब कि सिटी से अंदर होके जाना है। कौन सा एयरपोर्ट था डा? डी एम के एयरपोर्ट। सो वो बहुत दूर है, लाइक 2.5 से 3 घंटे से ऊपर लगेगा। सो मैं पूरी, हमारा लास्ट था वहाँ पर से। सो हमने क्या किया कि हम लोग दूर दूर तक हम सिर्फ घूम रहे हैं, स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं। सो उसमें हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। होटल आते आते 3:30 बज गए थे। फिर हम लोग फ्रेश न हुए, हमने खाना वाना खाया, तो तब तक 4:30 के आसपास हो रखा था। और हम 4:30 बजे सोए हैं और मैं सुबह उठी हूँ, यहाँ के ही टाइम की सच बता रही हूँ। मैं सुबह उठी हूँ कुछ 8:30 बजे। हमारा ये प्लान था कि हम लोग 10:30 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। और एंड टाइम पर टैक्सी वाले ने हमें कर दिया मना, और हम लोग लिटरली परेशान हो चुके थे बिकॉज हम राजू भैया को जानते थे और राजू भैया का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आई गेस कि वो सो रहे होंगे इसकी वजह से, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम ऐसे हो चुके थे कि ये क्या हो रहा है, अब एक काम करते हैं यहीं पर स्टे कर लेते हैं। बट फ्लाइट, हाँ यहाँ पर ही होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है ज़्यादा लोगों की, तो वो लोग छुट्टी मनाते हैं। तो हम लोग इतने परेशान हो गए कि अब हम करें तो करें क्या, कैसे जैसे तैसे करके। जी के भैया हैं वो भी नेविल, उनको जानते हैं। हाँ हम लोग कल यहाँ पर आए थे, सॉरी ये डॉल्फिन वाली जगह सी। हम लोग जैसे तैसे करके अभी टैक्सी में बैठे हैं। अभी यहाँ पर बज रहे हैं 12 बजने में, 10 मिनट कम है, बस जल्दी पहुँच जाए, हम लोग थक चुके हैं। कल तो प्रे करो कि हम लोग फ्लाइट अच्छे से कैच कर लें और मैं भी ठीक हो जाऊँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बैठे बैठे लेवल बहुत 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 हरकतें कर रहे थे, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो चालू किया है। तो आप देख सकते हो कि वो एकदम शांत हो चुके हैं। अरे यार बहुत ही, ये देखो ना मेरा बहुत सब बढ़ रहा है, मैं कैसे इसके अंदर। हम लोग फाइनली फुकेट पहुंच चुके हैं और गाइस ट्रस्ट मी, आसमान इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा बारिश वाला मौसम हो रखा है, इसकी वजह से हम लोग फ्लाइट में सो गए थे। तो मेरे और निविल के दोनों के कान बंद है। होने के बाद ही हमारे गाड़ी वाले भैया आ गए। से हेलो। सो ये हमें होटल तक छोड़ेंगे अभी। और हम लोगों को मतलब हम लोग थोड़ा सा डर गए थे सबसे पहले, बिकॉज हमें ऐसा था कि हमारे पास लिमिटेड लगेज है। बट हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली, मतलब मैंने ज़्यादा शॉपिंग कर ली, और हम लोगों के लगेज में 19 केजी एक्स्ट्रा था। मतलब पर पर्सन आपको 10 केजी अलाउड है, और हैंड बैगेज में आप लेके जा सकते हो पर पर्सन 7 केजी। और हमारे पास बड़ी बड़ी ही बैग्स थी, सो वो हम फ्लाइट के अंदर लेके जा नहीं सकते थे। तो हमें कुछ 950 baht एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में देखेंगे तो ये गई। सो हमें हमारी टैक्सी मिल चुकी है और रविल ने मेरा बैग पकड़ा हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये रही हमारी टैक्सी, और हम इस टैक्सी में बैठ के जाएंगे होटल। ये फॉर्चुनर है, अरे फॉर्चुनर। सो सी यू गाइस एट होटल, तब तक के लिए बारिश हो रही है और मेरे को एक मजाक सूझा है। बाया बाया, ये बाया जवाब क्यों नहीं दे रहा? बाया यस बाया।
कौन आया कौन गया। सॉरी भाया, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। तो अभी बज रहे शाम के 8 यहाँ पर और हम लोग ढूंढ रहे सैलून, बिकॉज आज मैं स्विमिंग पूल में नहाई थी सो मेरे बाल थोड़े ऐसे हो चुके हैं और मेरा ध्यान वहीं पर था और मैं यहाँ पर बातें कर रही थी। सी यहाँ पर गणपति बप्पा है ना, बहुत प्यारे गणेश जी। सी यहाँ पर गणपति जी है, यहाँ पर हाँ थाईलैंड बैंकॉक पता, यहाँ पर गणपति जी की कुछ ज़्यादा पूजा होती है जैसे अपने वहाँ पर होती है। मैं बहुत खुश हुई थी ये देख के। तो अभी हम जा रहे हैं बांग्ला स्ट्रीट और यहाँ पर ऐसे चलते हैं। अच्छा गाने भी बज रहे हैं, हम लोग कब से नाच रहे हैं गाने पे। और यहाँ के स्ट्रीट डॉग भी बहुत प्यारे हैं। बताओ कि हिंदी में क्या बोल रहे हैं। इन्होंने ये बोला, ये राजा भैया है, राजा भैया को हम लोग पटाया में मिले थे,
सो राजा भैया ने ये टिकटॉक पे डाला था, तो इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हो टाइम 11:29 इन द मॉर्निंग। सो इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया था और ये सोच रहे थे कि मुझसे मिले और भगवान ने हमें मिला दिया। नो इट्स रियली अमेजिंग, नो या दैट्स गुड ना, या इट्स रियली अमेजिंग। आई वाज लाइक आई एम रियली शॉक्ड, रियली शॉक्ड, आई एम लिटरली शॉक्ड नाउ because you are the person that I really want to know in India. I see your journey and everything, no? And I see you every time, like, you're like idol of mine, you know? Like, I like the way you stand, you live the life that you are, and when you meet him, I know every journey of yours. Really, a lot of people know you here because like they think you are very like the girl who come with the power, no? Like normally Indian people do not come like you, no? Yeah, from your dialogue and you are the amazing. So you know, right? I see your everything. Yeah, I'm so happy to meet you. Yeah, you know everywhere I have you because we see you everything. Even from that long first day that we know you. You're done. I'm so amazed. Like I was thinking in one day you must come to Thailand. I think from my side, really. No, I love Thailand. Yeah. And I was really thinking I will meet you, but it's, I don't know how come that I come meet you. You know, even I take short. But I not call that brother because I don't know him, but I take, you see now what time I put there. I was like, oh, I will meet, but I think you are in Pattaya, not here, yeah. I think like that. We just came yesterday night. Yeah, it was so amazing, right?